केन स्टिक्स यानी पेट की लकड़ियाँ जिनका उपयोग कई वर्षों से अलग अलग वस्तु बनाने में किया जाता आ रहा है। ये लकड़ियाँ मजबूत तथा लचीली और उतनी ही कठिन होने के कारण इनसे रोज़ाना उपयोग के फर्नीचर जैसे बास्केट, सोफ़ा, कुर्सियाँ, स्टूल्स और छोटी छोटी वस्तु जैसे वॉकिंग स्टिक्स, फिशिंग रॉड, हैट्स, ऐसे कई सारे उत्पाद बनाए जाते हैं। इन स्टिक्स को लचीले होने के कारण कैसे भी मोड़ने से आसानी होती है, जिससे फर्नीचर की अलग अलग डिज़ाइन भी बनाने में आसानी हो जाती है। इन फर्नीचर की डिमांड लोकल और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बहुत दिखाई देती है। इन फर्नीचर्स का उपयोग घरों, ऑफिसेस, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में बड़े स्तर पर किया जाता आ रहा है। ये इंटीरियर को खास और बेहतरीन लुक देते हैं। इन्हें बनाकर एक्सपोर्ट करके भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसीलिए आज मेरी यानी महाराष्ट्र इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट आपके लिए केन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस पर एक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्री लेकर आए हैं। रॉ मटेरियल के तौर पर केन स्टिक्स जो अलग अलग वैरायटी की आती है, साथ ही में सतोलिया, धागे, लोहे की कील, वुड पॉलिशिंग मटेरियल, सैंड पेपर और पैकेजिंग मटेरियल लगता है। प्लांट एंड मशीनरीज, बेतों से फर्नीचर बनाने के लिए किसी भी बड़ी मशीन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ टूल्स की आवश्यकता होती है, जैसे हैंड सॉ, हैमर, केन कटर, मेजरमेंट टेप, ब्लो लैम्प, हैक्सैक फ्रेम, बिग नाइफ एक्सेट्रा। प्रोसेस, ये फर्नीचर बनाने के लिए कुशल कारीगरों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन्हें पूरी तरह हाथों से ही बनाया जाता है। सबसे पहले फर्नीचर के डिज़ाइन और साइज डिसाइड की जाती है, फिर केन स्टिक्स को चाकू से साफ किया जाता है और पेंसिल से मार्किंग की जाती है। फिर इन स्टिक्स को एक एक करके गैस लैम्प पर गर्म करके इन्हें सीधा किया जाता है और वैसे ही एक हीटिंग टॉर्च से कुछ भागों को मोड़ा भी जाता है, जिससे गोलाकार शेप बने। फिर इन जले भागों को साफ किया जाता है। मेजरमेंट टेप और पेंसिल की मदद से फर्नीचर की फ्रेम बनाई जाती है और अलग अलग लकड़ियों को कील लगाकर आपस में जोड़ा जाता है। फिर इन फ्रेम्स पर पतली लकड़ी या सुतली से हाथ सिलाई की जाती है, जो बैठने और सोने के भागों पर की जाती है। इन पट्टियों को साफ करके कुछ मशीन में पतला किया जाता है, जो एक दूसरे में गूंद कर अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तैयार हुए फर्नीचर को पॉलिश किया जाता है और मार्केट में बेचने भेजा जाता है। लोगों को ऐसे ट्रेडिशनल फर्नीचर लेने की बढ़ती मांग को देखकर यह व्यवसाय करना ग्रामीण तथा शहरी भागों में भी फायदेमंद होगा। इन पट्टियों को साफ करके कुछ मशीन में पतला किया जाता है, जो एक दूसरे से बूंद कर अलग अलग डिज़ाइन बनाए जाते हैं। तैयार हुए फर्नीचर को पॉलिश किया जाता है और मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। लोगों की ऐसे ट्रेडिशनल फर्नीचर लेने की बढ़ती मांग को देखकर यह व्यवसाय करना ग्रामीण तथा शहरी भागों में भी फायदेमंद होगा। इस प्रकार आज हमने केन फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की जानकारी ली। अगर आप भी इस व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो आज ही मेरी को संपर्क करें। हमें संपर्क करने के लिए स्क्रीन पे दिए गए वेबसाइट्स को भेजते या नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करके हमारे YouTube चैनल मिडी उद्योग विश्व को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें।